सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी झलक दिखाई दी है। वैसे तो ये लाइन सिद्धार्थ के फैंस का दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ उनके दिलों में बसते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला कभी मरते नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला मरा नहीं करते, सिद्धार्थ शुक्ला मर ही नहीं सकते, यही बात उनके फैंस मानते हैं। लेकिन एक गाना आया है और इस गाने ने फैंस का जो दर्द है उसे फिर से एक तरह से उकेर कर रख दिया है। गाने का नाम है जीना जरूरी है। गाने में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ विशाल कोटियन है। फैंस को इस गाने में सिद्धार्थ की झलक तो दिख रही है, वही कातिल मुस्कान, वही हैंडसम सिद्धार्थ शुक्ला जो टेलीविजन को रूल किया करते थे। लेकिन फैंस कहीं ना कहीं गुस्से में भी हैं और गुस्से की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि वो नहीं चाहते कि सिद्धार्थ से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट उनकी मर्जी के बिना रिलीज किया जाए। लेकिन इस गाने को रिलीज कर दिया गया। अब यह कहा नहीं जा सकता कि विशाल कोटियन ने उनके परिवार से परमिशन ली थी या नहीं, लेकिन फैंस इस बात से नाराज हैं। उनका यह भी कहना है कि भाई सिद्धार्थ ने इस गाने को दो बार रुकवाया था। गुस्से में सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया, स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। इस हैशटैग के साथ खूब सारे ट्वीट किए गए और लिखा गया कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की मर्जी के बिना ये गाना रिलीज किया गया है। देखिए, ये गाना काफी पहले शूट हुआ था, ओडिशा में इसे शूट किया गया था, लेकिन रिलीज नहीं हुआ। क्यों रिलीज नहीं हुआ? क्या सिद्धार्थ शुक्ला खुद इस गाने को रिलीज नहीं करवाना चाहते थे? क्या वजह थी? वो वजह किसी को नहीं पता, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते थे। उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर जितने र्यूमर्स आते थे उतने मुझे लगता है किसी भी सितारे के प्रोजेक्ट को लेकर नहीं आए। लेकिन इस गाने को सिद्धार्थ के रहते रिलीज नहीं किया गया, अब जाकर इसे रिलीज किया गया है। कुछ फैंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार भले ही इस गाने को उनका परिवार नहीं चाहता था कि रिलीज किया जाए, लेकिन इस गाने में कम से कम हमें सिद्धार्थ की एक झलक तो देखने को मिल रही है, कम से कम हमें फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का वो मैजिक तो देखने को मिल रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला के उस ऑरा को फिर से एक्सपीरियंस करने का मौका तो मिल रहा है। लेकिन एक चीज और फैंस का दिल तोड़ रही है। इस गाने में सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो पर हार चढ़ा हुआ दिखाया गया है और यही चीज कुछ फैंस को बहुत परेशान कर रही है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला के विजुअल्स का इस्तेमाल करना था तो कर लेते, लेकिन फोटो पर माला चढ़ाने की क्या जरूरत थी? और इस बात को लेकर फैंस जबरदस्त गुस्से में हैं। इस बात से तो गुस्से में है ही कि भाई जब परिवार ने मना किया था, जब परिवार नहीं चाहता था, तो फिर आपने गाना रिलीज क्यों किया? देखिए, गाना अब सामने आ चुका है और फैंस गाने को देख रहे हैं। देख इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला को देखना है। देख इसलिए रहे हैं क्योंकि करीब 8-9 महीने बाद उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट देखने को मिला है। साथ ही गुस्से में भी है। तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि भाई गाने को देखने का मतलब उसे सपोर्ट करना, उसके व्यूज बढ़ाना, और फैंस हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं खुद को रोक भी नहीं पा रहे कि भले ही व्यूज बढ़ते हों लेकिन कम से कम हमें सिद्धार्थ शुक्ला की झलक तो देखने को मिल रही है। आपने ये गाना देखा? क्या आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं और आपको लगता है कि इस गाने को सामने आना चाहिए था? अगर सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार नहीं चाहता तो क्या विशाल कोटियन को इस गाने को रिलीज करना चाहिए था? क्योंकि विशाल ने अपनी सफाई में पहले भी ये कहा था कि भाई इस गाने के लिए सिद्धार्थ ने करार किया था और जाहिर तौर पर गाना शूट हुआ था, तो गाने पर कहीं ना कहीं मालिकाना हक उस कंपनी का है जिस कंपनी ने इस गाने को शूट किया था। विशाल का दावा यह भी रहा कि सिद्धार्थ और वो मॉडलिंग के दिनों के दोस्त रहे हैं और इस गाने को सिद्धार्थ खुद रिलीज करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। अब सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस गाने के आने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के इमोशंस एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। आपकी क्या राय है इस गाने पर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय।